ये रुक गया ना, श्वेता रुक गया, बैरिकेडिंग लगा, श्वेता रुक गया। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज पटना की सड़कों पर उतरे हैं। जी हां, हम आपको सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर चिराग पासवान अपने कार्यकर्ता के साथ पटना की सड़कों पर उतर चुके हैं। आपको बता दें कि आज पटना के गांधी मैदान यानी कि जेपी गोलंबर, गांधी मैदान के गेट नंबर 12 जेपी गोलंबर से राजभवन तक मार्च निकाला जाएगा। ये जो मार्च को जो नाम दिया गया है बिहार बचाओ नाम दिया गया है। ऐसे में इस बिहार बचाओ अभियान में तमाम मुद्दे जो है बिहार से जुड़े हुए हैं, जैसे बिहार में जो अपराध का रेशियो है बढ़ रहा है, बिहार में बेरोजगारी दर बढ़ रही, इन तमाम मुद्दों को लेकर चिराग पासवान आज सड़क पर उतरे हैं। और हम आपको सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं एग्जीबिशन रोड की, जहां पर चिराग पासवान को और लोजपा रामविलास के तमाम कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। जी हां, पूरे दमखम के साथ आज अपनी फौज और अपनी सेना के साथ चिराग पासवान पटना की सड़कों पर उतरे थे और अब उनकी सेना को, अब उनकी फौज को एग्जीबिशन रोड पर ही रोक दिया गया है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा है अगर उत्पात हुई, अगर हंगामा हुआ तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आप खुद सुनिए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कह रहे हैं। क्या हुआ है, तो रुका हुआ है ना, क्या करेगा सर, तो ये रुक गया ना, ये रुक गया ना, श्वेता रुक गया, बैरिकेडिंग लगा, श्वेता रुक गया। यहाँ से आगे बढ़ने देंगे नहीं, अगर यहाँ से आगे बढ़ते हैं कार्यकर्ता उग्र होते हैं तो क्या करेंगे सर, कानूनी कार्रवाई। तो आपने उनको सुना, आपको बता दें कि चिराग पासवान पटना की सड़कों पर उतरे हैं। उनका कहना है कि वो जेपी गोलंबर से होते हुए राजभवन तक जाएंगे, इस मार्च को सफल बनाएंगे और लगातार वो बिहार सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। और इसी सिलसिले में आज उन्होंने ये बड़ा मार्च रखा है जिसमें बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोजपा रामविलास के तमाम कार्यकर्ता मौजूद है। शोर शराबा हो रहा है, हंगामा हो रहा है, जयकारे और नारे भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जब चिराग पासवान सड़क पर उतरे हैं, कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो दोगुना हो चुका है। लेकिन अब उनके तमाम कार्यकर्ताओं को और चिराग पासवान को एग्जीबिशन रोड पर ही रोक दिया गया है, उनको आगे जाने की अनुमति नहीं है। और दूसरी तस्वीर भी देखिए, जहां पर जो पुलिस बल की तैनाती की गई है वो भी बहुत पुख्ता की गई है। पुलिस बल पूरे तैयारी के साथ मौजूद है, हाथ में डंडे लाठी के साथ वो मौजूद है। मतलब कोई भी हुड़दंग हुआ तो लोजपा रामविलास के किसी भी कार्यकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा, यानी कि कोई भी हुड़दंग की, कोई भी गड़बड़ की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान क्या करेंगे ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि उनका कहना है कि ये मार्च को राजभवन तक उनको ले जाना है। उनके तमाम कार्यकर्ता उत्साहित भी है, नारे लगा रहे हैं और राजभवन तक जाने की जिद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब उन सबको एग्जीबिशन रोड पर ही रोक दिया गया है तो ऐसे में उनका अगला कदम क्या होगा, क्या ये मार्च सफल होगा, क्या कुछ होगा इस पूरे मामले में, ये भी हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन अभी की तस्वीरें देखिए किस तरीके से चिराग पासवान सड़कों पर उतरे हैं और कार्यकर्ताओं का जोश दुगना हो गया है और इस मार्च को राजभवन तक ले जाने की भी बात कही जा रही है, लेकिन उनको बीच रास्ते में रोका गया है। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें आगे निकल कर आती हैं हम वो भी आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।